नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप न्यूज पे। मेरा नाम है सुनील यादव और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताने वाला हूँ। वैसे तो ये वीडियोस है कि आप यूट्यूब शॉर्ट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। एक चीज और ऐड कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, यानी कि आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं है, आप पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा सकते, ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। अगर आपके चैनल पे 1 सब्सक्राइबर है, 10 सब्सक्राइबर है, 100 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, 4000 घंटे भी नहीं हुए, पर आप तब भी पैसा कमा सकते हैं YouTube से, इस वीडियो को देख के पूरा एंड तक। क्योंकि YouTube पे क्या होता है, अगर हम आप एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लोग आपके एक्सप्लेन करी हुई चीजों को, बातों को ट्रस्ट करते हैं और बाय करते हैं किसी प्रोडक्ट को, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग में होता है, तो आप उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यूट्यूब पे एड्स देखेंगे तब जाके अर्न करें, नहीं, अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है आप तब भी अर्न कर सकते हैं, 4000 घंटे वॉच टाइम नहीं है तब भी आप अर्न कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, क्वालिटी वीडियो एक्सप्लेन अच्छे से करना, बतानी चीजों को अच्छे कि लोग समझे उस चीज को, आपकी चीजों पे ट्रस्ट करें, आपके दिए गए लिंक से उस प्रोडक्ट को परचेज करें, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग में होता है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आप ऐसी कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जितनी चीजें बताई है मैंने अभी आपको पिछले एक मिनट में, सारी की सारी वीडियो, सारी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। YouTube Shorts वीडियो को अपलोड करने के लिए डेस्कटॉप से या लैपटॉप से या फिर अपने सिस्टम से, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को पहले मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ क्योंकि उस वीडियो को मेरे को मोनेटाइज करना है। तो वीडियो को थोड़ा अब एडिट करने के लिए मैं कैनवा का यूज़ करूँगा, ठीक है, कैनवा सॉफ्टवेयर का। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और थोड़े मोटे अगर आप अमाउंट पे करते हैं तो फिर आप एक इसका पूरा पूरा प्रॉपर यूज़ भी कर सकते हैं, फुल यूज़ करने के लिए मिल जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके क्रिएट डिज़ाइन पे, वीडियोस पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ मोबाइल वीडियोस पे क्लिक, और जो मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो को मैं क्या कहूँगा यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि जो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स को अपलोड करूँगा तो वो मोनेटाइज भी हो जाए। फिर उसको मैं यहाँ से कहता हूँ अपलोड मीडिया डेस्कटॉप, और यहाँ पे ये मेरी वीडियो है, ठीक है, इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मेरी वीडियो आ गई है कंप्लीट। एक बार इसको मैं चला के देख लेता हूँ, तो ये वीडियो यहाँ पे अभी लोड हो रही है, मेरी वीडियो यहाँ पे लोड हो गई, इसको मैं एक बार चला के देख लेता हूँ। ये मेरा YouTube शॉर्ट्स है, तो इसके मेरे को थोड़ा सा को मोनेटाइज करना है, तो इसके लिए मेरे को कुछ इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे मैं करता हूँ भी कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, चेक आउट डिटेल्स, इसमें यहाँ पे मैं कंटेंट लिखूंगा जिससे कि कोई भी अगर पर्सन इस वीडियो को देख रहा होगा या जो भी मेरा ऑडियंस है वो देखेगी तो क्या करेगी, वो इसका मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, चेकआउट डिटेल यहाँ पे लिख देता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ मैं, बाय फ्रॉम बाय लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये पॉइंट आप जरूर नोटिस करके रखना कि जो भी पर्सन आपकी वीडियो को वॉच कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि कौन से लिंक से इसको बाय करना है, ठीक है। ये मेरी वीडियो हुई यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार अभी, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको, जब तक ये वीडियो डाउनलोड होती है तब तक मैं इस वीडियो का जो एफिलिएट लिंक है मैं वो निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ अपना अमेज़न
डॉट इन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे अमेजोन एसोसिएट साइट स्ट्राइप आ रहा है। ये अगर आपके में नहीं आ रहा होगा तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपना अमेजोन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो कम्प्लीट बनाई हुई है, तो उस तरीके से अपना पूरी पूरी वीडियो देख के अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लें। और एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपकी साइट, आपके जो अमेजोन का जो डेस्कटॉप ओपन होगा वो इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने ओपन, ये जब ओपन हो जाएगा तो फिर आप अपना क्या है जो प्रोडक्ट की आप वीडियो बना रहे हैं या फिर आप जो भी चीज़ अगर अमेजोन से अगर रिलेटेड अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लिंक को कॉपी, यहाँ से उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईफोन प्रो 12 प्रो मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा जो आईफोन था वो यहाँ पे मेरा ये आईफोन ओपन हो गया है। ठीक है, इसका मैं कहता हूँ यहाँ से मैं लिंक ले लेता हूँ, जो मेरे को लिंक कॉपी करना है। मैंने यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लिया, अब तक मेरी वीडियो भी यहाँ पे, जो मेरी वीडियो थी वो भी यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा कि अपनी वीडियो को डेस्कटॉप से मैं अपलोड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, सबसे पहले ये मेरा चैनल है, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, अपलोड पे गया। अपलोड पे जाने के बाद यहाँ से मैंने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, जो मैंने अभी वीडियो बनाई है। ठीक है, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कर यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपने जो मेरा प्रोडक्ट है मैं उसका लिंक यहाँ से करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। मैं गया यहाँ पे और यहाँ पे मैं टैक्स पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा लिंक आ गया है एफिलिएट लिंक। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैं यूज़ बताऊँगा आपको कि इसका यूज़ क्या है आपका, जब तक मैं देखता हूँ मेरी वीडियो जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरी वीडियो डाउनलोड हो गई। तब मैं क्या करता हूँ अपने चैनल पर इस वीडियो को अपलोड करता हूँ। यहाँ से क्रिएट पर गया, अपलोड वीडियो पर, शॉर्ट्स वीडियो भी इसी तरीके से हम अपलोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद ये मेरी वीडियो थी, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। आपकी जो वीडियो वो आपके फ़ोन के फॉर्मेट में हो सकती है, ठीक है, उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। और आप जब टाइटल में डालें तो यहाँ पे आप हैशटैग शॉर्ट्स डाल दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर यहाँ पे डाल दीजिए आईफोन 12 प्रो मैक्स, ठीक है, बेस्ट कैमरा फोन। उसके बाद एक और डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, आईफोन डिटेल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने डिटेल ही बताई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपनी जो मेरी शॉर्ट्स थी मैंने उसको अपलोड कर दिया। जो मेरी शॉर्ट्स है उसकी लेंथ 60 सेकंड से कम होनी चाहिए, और जब भी आप अपलोड करेंगे इसको तो टाइटल के अंदर हैशटैग शॉर्ट्स कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो समझ जाएगी ये वीडियो शॉर्ट्स में है। ठीक है, अब उसके बाद करना है इसके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर करूँगा वांट टू बाय दिस फोन दिस आईफोन क्लिक द लिंक बिलो।
ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिंक कॉपी करा था मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देता हूँ। पहले बता रहा हूँ आपको कि इस लिंक को आपको लेने के लिए आपको एफिलेट अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो के मैं एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि एफिलेट लिंक कैसे, एफिलेट अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत आप आसानी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और आपका फिर इस तरीके का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले सकता हूँ मैं, जैसे आईफोन की यहाँ पे, कि कोई पर्सन अगर इस वीडियो को देखेगा तो ये उसकी आइटम की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दी। उसके बाद यहाँ पे मैं हैशटैग डाल देता हूँ आईफोन आईफोन 12 प्रो मैक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, यहाँ पे थंबनेल अगर अपडेट करना है थंबनेल अपडेट कर दिया, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। नो करने के बाद आप इसके नीचे आएंगे यहाँ पे आपके शो मोर में, देन उसके बाद आप यहाँ पे नीचे करेंगे, यहाँ पे आप अपना टैग सेट कर दीजिए, जैसे कि आईफोन आईफोन 12 आईफोन फोन 12 प्रो आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो इस तरीके से आप करीब करीब 500 वर्ड्स के यहाँ पे टैग्स ऐड कर सकते हैं। 500 वर्ड के टैग्स ऐड करने के बाद आपको करना है यहाँ पे इसको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट, फिर यहाँ पे इसको पब्लिक पे करके आप यहाँ पे इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो आपकी जो वीडियो है, जो आपकी शॉर्ट्स है, वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना डेस्कटॉप से शॉर्ट्स को भी अपडेट अपलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ में ये मोनेटाइज भी हो जाएगा। अब आप इस वीडियो को मोनेटाइज कैसे करना है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे आपने पब्लिश कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पर्सन इस वीडियो को देख के, और इस लिंक से आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी बंदा परचेज करेगा अगर आईफोन तो आपको उससे इनकम जनरेट होगी। जैसे मैंने इसको अब मैं ओपन करके देखूं, अपने वीडियो को यहाँ से रन करूं यूट्यूब के ऊपर, तो आप देखिए यहाँ पे जो मेरी वीडियो प्लस इसके साथ में क्या है, अगर कोई बंदा नीचे आके देखता है और यहाँ पे क्लिक करेगा, जैसे कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई बंदा इस लिंक से अगर जाके क्लिक करता है और वो अमेजोन पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इसको बाय करता है, तो आपकी करीब करीब जो इनकम है, जो एफिलेट की जो कमीशन है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी शॉर्ट्स को वीडियो प्रोडक्ट के, किसी प्रोडक्ट के रिव्यू दे के, या फिर किसी मूवी का रिव्यू दे के, या फिर किसी प्लेस का रिव्यू दे के, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं अपनी शॉर्ट्स को और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, चाहे आपके चैनल पर सब्सक्राइबर हो या नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी, एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ, तो सारी चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी क्या अभी, और मोटिवेशन मिल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम आपको और ज्यादा डेली की वीडियो देंगे, जिसके अंदर आप डेली अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे आपको, नई नई नए नए टॉपिक्स, नए नए साइट्स, नए नए टूल्स के बारे में फ्री फ्री में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कहीं से कोई परचेज कोर्स नहीं करना पड़ेगा, कहीं पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ आप फ्री में चीज सीख सकते हैं आसानी से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।